हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज जो मैंने वर्कआउट किया उसमें मुझे इतना ज़्यादा पसीना आया है गज़ब का, और मैं इतनी इरिटेट हो रही थी कब नहाने जाऊँ। और आज तो मैंने पसीना क्यों आया, क्योंकि कल मैंने हेयर में ऑयलिंग की थी, और हेयर में ऑयलिंग अभी गर्मी में मुझे करने की नहीं हो रही, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है और ऑयलिंग की वजह से और ज़्यादा होता है। तो फिर मैंने फ्रेशन अप हो गई, और अभी मैंने ब्रेकफास्ट में वही कल वाले सैंडविच बनाए। आज सब्जियाँ थोड़ी कम थी, तो आज ओनली 4 शिमला मिर्ची और प्याज ही लिए, पर टेस्टी तो बने ही होंगे। तो ये हम दोनों के लिए मैं लेके आ गई हूँ हमारा ब्रेकफास्ट, और ड्रिंक में हम ले रहे हैं ग्रीन टी। तो एक बार सैंडविच ख़त्म कर देती हूँ, फिर ग्रीन टी बनाऊँगी, क्योंकि फिर ठंडी हो जाती है खाते खाते, तो और थोड़ा केक भी हो तो सही रहेगा। तो एक बार मेरा ब्रेकफास्ट मैं फिनिश कर देती हूँ, फिर ग्रीन टी प्रिपेयर करूँगी। अभी मैं बना रही थी लंच, और लंच बनाते बनाते देखा कि टमाटर तो है ही नहीं, पीली मूंग की दाल बनानी है, पर किसी भी दाल में टमाटर तो चाहिए ही होते हैं। और आजकल टमाटर इसलिए ख़राब आ रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, अंदर एकदम बासी बासी टमाटर आ रहे हैं। बाकी जिस दिन पाव भाजी बनाई थी उसी दिन मैं 1 किलो टमाटर लेके आई थी, उस दिन जगह भी अभी लेके आई थी, पर उसमें कितने मैं लेके आई, उसमें 3-4 ऐसे कुछ तो अंदर से ख़राब निकले। तो अभी मैं जा रही हूँ शॉप पे, और शॉप पे मैं अटेंडेंस लगा के आती हूँ, और साथ ही साथ टमाटर भी ले आऊँगी। मार गया टायर। चिकू है शॉप पे थोड़े से बिजी, तो क्यों ना मैं हेयर वॉश करवा लूँ, थोड़ी गर्मी कम लगेगी, क्योंकि इस ऑयल की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो अभी हेयर वॉश ले लेते हैं। अच्छा, देखिए ट्यूटोरियल भी बनाना है, तो हेयर वॉश हो चुका है, अभी चलते हैं घर पे, क्योंकि चिकू भी आगे हो गए हैं फ्री। हाँ, टिफ़िन दे दो, टिफ़िन कल भूल गई थी मैं, धन्यवाद। चिकू ने भी लंच कर लिया है, मैंने भी लंच कर लिया है, थोड़ा जल्दी में थी इसलिए लंच जल्दी जल्दी करके अभी निकल रहे हैं। अच्छी को तो मुझे को कैसा दिख रहा है इसमें? तेरा दिखा, मेरा भी तो अच्छा ही दिख रहा है। आपका कैसा दिख रहा है? देखो, अरे मेरे सॉक्स पहनने रह गए। मैं गाड़ी ला रहा हूँ, मेरे को भी टाइम लगेगा। अच्छा, टाइम कितना ज़्यादा मत लगाना। मैं आ गई हूँ शॉप पर, और अभी यहाँ पर आकर मैं सोच रही हूँ कि किस पे ट्यूटोरियल बनाऊँ, और फिर पूरी प्लानिंग करती हूँ। स्टूडियो तो पूरा जम चुका है, तो अभी आपके स्टूडियो के भी दर्शन कराएंगे, जो ये कल जमा दिया चिकू ने, मैंने अभी तक देखा नहीं है कैसा जमा है, क्योंकि मैं भी बिजी थी इसलिए। तो अभी ट्यूटोरियल किस पे बना है वो देखती हूँ। तो मेकअप ट्यूटोरियल बनाने से पहले रो चुकी हूँ थोड़ा सा, क्योंकि लेंसेज पहनने मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। भले सेफली पहनती हूँ, पर तो भी आंखें बहुत ज़्यादा मेरे को दर्द होती है, सेंसिटिव है मेरी आंखें बहुत। और रोशनी मुझे कह रही है ऐसा ट्यूटोरियल बनाने के लिए लेंस पहनने पड़े, मैं तो नहीं पहनूँ। पर लेंस पहनने से कुछ लुक चेंज हो जाता है ना, मैं कैसे दिख रही हूँ बताओ मुझे। मैं आ चुकी हूँ स्टूडियो में, और चिकू हो गए हैं लेट, क्योंकि उस शॉप पर है चिकू को काम, और अभी घर पर सारा कॉस्ट्यूम वगैरह लेके आना बाकी है, और साथ ही साथ कैमरा भी घर पर ही पड़ा हुआ है, जो कि मैं कल तोक के लेके गई थी, और यहाँ पर सब सेटअप हो गया है कंप्लीट, मेकअप का सारा सामान भी आ गया, शुगर का एसी भी स्टार्ट हो गया है, सेटअप भी पूरा लग चुका है, और मैं सोच रही हूँ पीछे बैकग्राउंड गोल्डन रखता है। चिकू अभी जस्ट हुए हैं फ्री, और मुझे आए हैं लेने के लिए। थोड़ा भी पानी नहीं है बोतल में? बिल्कुल पानी ही नहीं, कब से प्यासे है सब जन। आज फाइन ब्लाउज ढूंढ रही हूँ यार, ब्लाउज कहीं रख के भूल गई हूँ मैं। इधर क्या लेंस पे मिल गया, तो मैंने जो भी मेरे मेकअप में सामग्री यूज होने वाली है वो सारी ले ली है, और पीछे कैमरा भी ले लिया है, और अब बहुत छूआ बड़ा सा बाबन चार्ज है। हाँ। मैंने चेंज कर लिया है, और मेकअप का ट्यूटोरियल बनाने में बैठ चुकी हूँ, और चिकू सारा सेटअप कर रहे हैं, लाइटिंग तो सेट हो चुकी है, बस कैमरा सेट कर रहे हैं, और मेरा माइक भी फिक्स हो चुका है। आप देख सकते हो पूरा लाइटिंग के साथ मेरा सेटअप।
नीचे तो सूट का पजामा पहन रखा है, ऊपर चिकू का टी शर्ट डाल दिया है जो मेरी हमेशा की यानी यूनिफॉर्म होती है वीडियो बनाने से पहले। फिर तो मैं ट्यूटोरियल बना दूंगी तो फिर आपको बहुत अच्छे लगने वाली है। मेकअप तो हो चुका है, वीडियो भी बन गई है, अब लाइटें थोड़ी कम कर दूँ, आँख से दर्द हो जाती है। सिर्फ उधर की चालू रखती हूँ और मेकअप को रिमूव कर देती हूँ। लेंसेज तो मैंने निकाल दिए हैं, फ़ोन भी एक बार वो कर देती हूँ, साइलेंट पे था। माँ आ जाओ, स्टूडियो में हूँ। आप फ्रेंड्स बोलते हो तो मेकअप के सामने लाइट्स के सामने भी ऐसे ही बैठा नहीं जाता। आप देख सकते हो आँखों की क्या हालत है, कैमरे में थोड़ा कम दिख रहा है बाकी रियल में कितनी रेड हो गई है। एक बार मैं बोली तो माइक बंद था कि डिस्चार्ज हो गया था, और एक बार बोली तो चिकू ने शूट ही बंद कर दिया। मैं बातें कर ही रही हूँ आपसे, देख सकते हो आप, आपसे बात करने के लिए मैं कुछ देखती नहीं हूँ, कैमरा चालू है बंद है, बस बातें होनी चाहिए। अब मैं फेस वॉश कर देती हूँ। पूरा फेस क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेकअप ही करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेकअप के साथ स्किन केयर भी करना कम्प्लीट ज़रूरी है। मैंने मेरे ट्यूटोरियल में पूरे में मेकअप के प्रोडक्ट्स तो बताए हैं, ट्यूटोरियल आपको रोमा निपेश पे मिलेगा और आपको स्किन केयर मिलेगा, जाकर शॉप करो पर, जिसके ऊपर बहुत सारा मैं स्किन केयर अपलोड करने वाली हूँ। आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन कैसी है, ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, सब वहाँ जाके आपको पता चलेगा। और प्रोडक्ट के बारे में भी आपको पता चलेगा कि कैसा प्रोडक्ट हमको किस स्किन पर यूज़ करना चाहिए, तो आपके लिए काफ़ी सॉर्टेड होने वाला है। और डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पर नंबर भी मिल जाएगा, तो परचेस करना भी सॉर्टेड होने वाला है। भाभी ऐसे कहाँ करते हो बाबा, ऐसे नहीं हो गया यार। चलो कैमरा ले लो, कैमरा ले लो, अपन जाते हैं। खाना क्या खाएंगे? मेकअप तो रिमूव हो गया है, आज हल्की सी बिंदी बड़ी लगाई है मुझे, मेरा मुंह थोड़ा सा अलग दिख रहा है। और फेस वॉश मैं घर जाके ही करूँगी, और जो सारा सामान है वो अवेज रहे हैं, जितने भी हमारे कैमरे के इक्विपमेंट्स हैं वो सारी ले लिए वापस समेट के। फाइव इन वन कौन था? घर पे आ चुकी हूँ मैं, और आने के बाद अब फेस वॉश कर लेती हूँ। आईज़ में थोड़ा सा मस्करा चला गया, या फिर वो लैशेस वगैरह लगाने से हल्की सी दर्द हो रही है आँखें, क्योंकि लेंस पहने थे, लैशेस लगाए थे, आई मेकअप और मस्करा, इतना आँखों के साथ जुल्म, तो फिर आँखों का क्या हाल होगा। तो एक बार अच्छे से फेस वॉश कर लेती हूँ, फिर थोड़ा फ्रेशन अप फील करूँगी, तो फिर अब डिनर इसके बाद ही बनाऊँगी। ये आज का डिनर आप देख सकते हो, पापड़, नमकीन, प्याज और पराठे। खाने में कुछ था नहीं ज़्यादा, सब्जियाँ भी कुछ थी नहीं, तो बस सोचा कि चरखी पूड़ी बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है वो, और चिकू की तो ऑल टाइम फेवरेट है, जब भी बना के दो तब तैयार हो जाते हैं वो तो खाने के लिए। खाना भी बैठी बैठी मैं खाऊंगी, और बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है मुझे, और यहीं पर कर देती हूँ मैं व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से वीडियो में। ओके बाय।